जिंद ले गया वो दिल का जानी ये बुत बेजान तो रह गया बचपन में एक गेम होता था स्टेच्यू तो चुपचाप रहता था ऐसे हिल डुल गया ना तो मारना रहता <दूसज़ीक> था काबुल कंधार मकरान और हेरात ये सारा क्षेत्र चंद मौर्य को क्या मिला था दहेज संजा यही ने तो सब सार लगेगा सब यहाँ बिहार वालों को एक हजार से लेकर एक हजार सत्ताईस के बीच इसने कुल सत्रह बार आक्रमण किया कितनी बार आक्रमण किया सत्रह बार आक्रमण किया था किसने मोहम्मद गजनबी ने ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था इस आगे बढ़ते गया इसका दो आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इसका फेमस आक्रमण था एक हजार पच्चीस ईस्वी का इसका सोलहवा आक्रमण सोमनाथ के मंदिर ये सत्रह में से जो सोलह आक्रमण किया वो एक हजार पच्चीस ईस्वी में किया एक हजार पच्चीस ईस्वी में कहां पे किया सोमनाथ के मंदिर पर कहा आक्रमण किया सोमनाथ पर आक्रमण किया था इसको खबर मिली थी कि सोमनाथ में बहुत ज्यादा सोना है तो सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया आक्रमण करने के बाद वहां से लगभग पचास हजार लोगों की जान गई थी युद्ध इतिहास में किसी भी देखिएगा हमेशा जान लेता है आज के वक्त में भी यूक्रेन में देखिए कितने लोग मारे गए हैं वहाँ पर कलिंग की लड़ाई उठा के देखिएगा पूरा कलिंग लाल हो गया था तो युद्ध का नियम ही है वहाँ पर जब वो युद्ध के बाद देखा कि ससुरा हमारा तो सोना मिल ही नहीं रहा है बाद में पूछा किसी से ससुर हम तो बड़ा सुने थे कि सोमनाथ में सोना है तब तो उसको पता चला कि सोमनाथ में अधिकतर सोना कहाँ पर है मंदिर में है कहाँ पर मंदिर में तब वो पहुंचा कहा कि बाप रे बाप सारा सोना कहाँ है मंदिर में है और मंदिर में तो कोई ऐसा कोई कमांडो थोड़े लगे रहते हैं लोग पुजारी रहते हैं लोग लोग अब कोई पुजारी के काम लड़ाई लड़ना थोड़ी है। आया लूट गया यहाँ पर उसके बाद लूट उठ के गया तो उसको कहा कि भाई ससुर राजा सबका पहले का एक उद्देश्य रहता था कि जहाँ तबाही मचा के जाए ना वहाँ और भयानक तोड़फोड़ मचाए ताकि लगे कि हाँ यहाँ राजा था दहशत फैलाने के लिए मंदिर को भी क्या कर दिया तोड़वा दिया और देखिए मूर्ति को ना इंग्लिश में स्टैचू करता इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टैच्यू स्टैच्यू जो जैसे किसी की प्रतिमा लगी रहेगी उर्दू में उसे बुत कहते हैं बुत बुत मतलब समझते हैं पुतला मूर्ति है। समझा के ने? बुत बोलते हैं बुत पहले गाना होना में भी सुनते होंगे बुत जिंद ले गया वो दिल का जानी ये बुत बेजान रह गया नहीं सुना है पहले जमाना का ये गाना था हम लोग के समय का हा? ये बुद्ध बेजान रह गया मतलब मिट्टी का ये जो शरीर है ये बेजान रह गया ये जिसका नया नया ब्रेकअप हुआ रहता है ना सब ये गाना सुनते रहता है सब। वक्त एक ऐसा चीज होता है ना कितनो बड़ा जख्म हो सबको क्या कर देता है भर देता लेकिन नया नया जो रहता है ना सब ना ये हम लोग के समय का गाना ही था ये सब आज दुकान दुकान गाना आ गया है नहीं समझ में आ गया समझे में नहीं आ रहा है कौन चीज गा रहा है जो इस तो बुद्ध का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बुद्ध का मतलब होता है मूर्ति तो उसने मंदिर में किया, तो मंदिर में क्या मिलेगा आप बताओ मूर्ति ही मिलेगी तो, धान तो लेके चला गया। जो बचा भाई राजा था, इसको भाई था। भी तोड़ दिया मूर्ति मतलब या स्टैचू तोड़ने का अर्थ होता तो है सिकन तोड़ देना क्या हो जाता है बुध सिकन इसलिए इसे कौन सी उपाधि दी जाती है बुध सिकन बचपन में स्टेच्यू एक गेम होता था अच्छा स्टैच्यू तो चुपचाप रहता था ऐसे हिल डुल गया ना तो मारना रहता था <laughs> आगे बढ़े लास्ट में जब जा रहा था तो यहाँ पे जब सत्रहवा आक्रमण हुआ था इसका तो एक जनजातियों के खिलाफ था क्या था जनजाते जब ये सोना लेके लौट रहा था ना तो वहां पे जब ये पंजाब का एरिया पार कर रहा था तो वहां जनजातीय क्षेत्र जो जाट का क्षेत्र आता है वो जाट कबीले वालों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया उन लोग को पता था कि बड़ी ज्यादा सोना रख ले आई युद्ध करेगा नहीं इसलिए लूट लो तो पैसे पैसा ज्यादा रखा था धन दौलत आक्रमण कर दिया कबीला वालों ने जाट कबीला वालों ने पंजाब के क्षेत्र में लूट लिया मोहम्मद गजनबी का सोना इसके सेना आया कहा कि हमसे टकराया है मारेंगे अभी अगरा तो मोहम्मद गजनबी का इतना सोना लेके आया है पहले इसको रख के आओ गया सोना रखा और रख आया युद्ध किया यहाँ पर इन लोग से, तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई अपने में मार दिया सब इसको तो महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था हाँ धन लूटना, या एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था किसका निर्माण करना बड़े सा... लेकिन बड़े साम्राज्य के लिए इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए इसने सत्रह बार छोटे छोटे साम्राज्यों पर क्या किया था आक्रमण किया था जिसका सबसे बड़ा आक्रमण साबित हो गया सोमनाथ और इसको सबसे ज्यादा पैसा भी कहां से मिल गया सोमनाथ के मंदिर से ही मिल गया लेकिन मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए इसको भाई युद्ध में तो होता युद्ध एक चीज समझ में आता है चलो भाई इतिहास युद्ध से भरा हुआ है लेकिन ये युद्ध क्या कि जो तुमको सौ साल तक आने वाली पीढ़ियों को गाड़ी सुनवाए यहां देखिए यह एरिया है अफगानिस्तान का यहीं था गजनी यहां पे कौन था गजनी यहां प... गजनी 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 का राजा था गजनवी। जगह का नाम कौन है गजनी और यहीं पे गौर मोहम्मद गौरी यहीं पे और यहां पे फरगाना समझा गया बाबर सब एक जगह ऐसा आया सब सब अफगानी यह पहाड़ी एरिया है इन सब का लक्षण है खाली लड़ाई करना अभी तालिबान वाला है सब यहाँ दस साल रूस से लड़ा सब रूस को हरा दिया सर बीस साल अमरीका से लड़ा सब अमरीका को हरा दिया सर आपने कभी नहीं सुनेंगे किसी चीज में आगे है सब दाए दाए। खाली लड़ाई में आगे है सब तो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है खाली लड़ना है उससे आप अर्थव्यवस्था मानव संसाधन मीडिया एजुकेशन हेल्थ आईटी स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस सबको ध्यान में रखते हुए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे उसका एक एक कमे है क्या चीज लड़ाई करना है वहाँ पर और कोई कमवे नहीं है दूसरा एक और चीज़ होता है ना यहाँ पे लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है चारों ओर से पहाड़ है तो जो लोग पहाड़ नहीं देखे हैं ना उनको लगता होगा पहाड़ छोटा सा है रियल में जो पहाड़ देखे होंगे ना उनको समझ में आ जाता होगा इसे जो पहाड़ पे लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है जो रियल में पहाड़ खैर बिहार में तो उतने बड़े पहाड़ है ही नहीं है छोटा छोटा है लेकिन अगर बड़ा बड़ा साइज का पहाड़ देखिएगा ना तो बहुत आफत हो जाता है एक तो ना सड़क बन पाएगी ना घोड़ा चढ़ पाएगा ना कुछ उसमें तो ईरान में ना सुबक्तगी वंश था कौन सा वंश था कौन था सुबुक्त एक राजा का नाम क्या था तो वो ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था सुबुक्तगीन ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य क्या कर रहा था बढ़ा रहा उसने एक बार सोचा भारत पर भी आक्रमण करना आज नहीं ये पाकिस्तान हो गया पहले तो भारत ही था उसने सोचा यहां पे भी आक्रमण करना लेकिन वो आक्रमण आया करने लेकिन उसको लगा कि नहीं इधर अभी आक्रमण करने लायक नहीं है लौट गया सुबुक्तगीन का बेटा आया महमूद गजनवी अब वो महमूद गजनवी आके क्या कर दिया भारत पर आक्रमण कर दिया कितनी बार सत्रह बार और उसका सबसे बड़ा आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ का मंदिर यहां से सोना लेट के लूट के जब ले जा रहा था तो इस एरिया में जाट जो क्षेत्र वाला एरिया पड़ता है उसने क्या किया सोना लूटा उसने युद्ध नहीं किया चुपचाप भाग गया सोना वोना रखा एक साल आराम आराम किया थोड़ा सा थको गया था युद्ध युद्ध में आया फिर मार के यहाँ पे हमला किया था किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हालांकि इस युद्ध में जब यहाँ आए आक्रमण किया था तो यहाँ के राजा अजय पाल थे क्या दे अजय अजय पाल ने कोई खास विरोध नहीं किया और उस समय के राजा विरोध किए रहते ऐसा तो ऐसा हुआ रहता है अच्छा जरा सोचिए ये जो आके ये आक्रमण कर रहे हैं हर्षवर्धन के समय कर जाते हैं हर्षवर्धन चबा जाता है वहां पर यहाँ पर अच्छा जो तूने आके हमरे यहाँ आक्रमण करो अशोक के समय अरे क्या बोलेगा अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य को तो दहेज में मिला था ये एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पे आई पढ़ा दिए ना काबुल कंदार मकरान और हेरात ये सारा क्षेत्र चंद कुर को, को क्या मिला था दहेज संजय यही सब सार लगेगा सब यहाँ बिहार वालों को नहीं संजा अभी भी लगेगा सब सब हम लोग का क्या लगेगा सब यही ना बिया हुआ था कार्नेलिया का बिहार में पटना में आई थी पाटली वहां कुमरार में कोचिंग से एक किलोमीटर दो किलोमीटर है यहाँ से कुमरार बाजार समिति रेलवे लाइन के उस पर क्या आ जाएगा कुमरार वहीं भी आ हुआ था उसका। और दहेज में ही सब मिला था ये सब ज़ेरिया तो हित ही हुआ हम लोग का <laughs> नहीं हुआ रिलेशन हुआ यहाँ पर बात करता तो कहीं ना कहीं बर्बादी में हम लोग का भी हाथ है आप खुद सोचिए कभी पॉसिबल ही नहीं था किसी विदेशी का कि अशोक के समय देख सके अशोक के समय देखने की क्षमता नहीं थी किसी की कि भारत के ऊपर आक्रमण कर राजा का शक्तिशाली रहना बहुत जरूरी है हर्षवर्धन के मरने के बाद राजे कहाँ बचा तनी तनी दो बीघा तीन बीघा ले लेके राजा बनेंगे लोग तो कोई ना कोई आक्रमण करवे करेगा यहाँ पर तो सब का भी ये गर... सब तो आक्रमण करवे किया सब हम लोग भी जिम्मेदार हैं अब सोचिए हमारे पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य इतना बड़ा अजमेर से दिल्ली मुख्य रूप से यही एरिया था जहां इधर की ओर बढ़े आगरा की ओर जयचंद से बवाल हो गया जैसे बवाल हो गया इधर से चला है कौन गौरी, गौरी चला है हर्षवर्धन के समय नहीं कोई गौरी उरी समुद्रगुप्त के समय समुद्र गुप्त घोड़ा से कचार देता तीन समुद्र का पानी पीता था किसी की हिम्मत नहीं थी तो राजा का रहना बहुत जरूरी है शक्तिशाली राजा का होना बहुत जरूरी है